करनाल नेशनल हाईवे पर धरोंदा कोहड़ के नजदीक दो ट्रकों की जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक ट्रक चालक की मौत, दूसरा हुआ बुरी तरह घायल। हादसे के बाद दोनों ट्रक हुए बुरी तरह क्षतिग्रस्त। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शराब से भरा एक ट्रक चालक जो चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर जा रहा था, अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और ट्रक हाईवे के बीच में लगी गलियों को तोड़कर दूसरी ओर जाकर जीरे से भरे दूसरे ट्रक पर भिड़ गया, जिस कारण जीरे से भरे ट्रक चालक की मौत हो गई। फिलहाल क्रेन की मदद से हादसे में क्षतिग्रस्त ट्रकों को हाईवे से हटवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। क्या है पूरा मामला सर? सर बीती रात है एक ट्रक TB65AD8625 जिसमें शराब लोड थी, ये चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहा था। एक ट्रक UP13BT1802 ये पानीपत से करनाल की तरफ जा रहा था, इसमें जीरी लोड थी और जो चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहा उसमें पैरामिलिट्री फोर्स की शराब लोड, जो पैरामिलिट्री की शराब से लोड वाले जो ट्रक ने डिवाइडर को पार करके रॉन्ग साइड में आकर इस जीरी से भरे ट्रक में टक्कर मारी। इसमें जीरी वाले जो ट्रक है इसमें अमरपाल नाम के ड्राइवर की मौत हो गई है और PB65AD8625 जिसमें शराब लोड इस ड्राइवर को भी चोट आई है, जो ट्रीटमेंट के लिए जो है ना रोहतक रहता है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस जो है अभी UP13BT1802 के जो जिसके मृतक के परिवार वाले आए हैं उनके आतंक में जान लेकर इस PB65AD8625 के खिलाफ कार्रवाई की। अभी तफ्तीश जारी है, मृतक के वारसाने पर शिकायत मिलते जाने की। शराब का क्या किया जाएगा? शराब अभी एक्साइज डिपार्टमेंट को बुला गया है और शराब जो ट्रक मालिक है वो आने लग गया। आने के बाद जैसे उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके शराब जो है ना उसके अनुसार डिवाइड।